स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशन फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एक सेल केवल अकेले बहुत सारे फंक्शन को करता है। तो जब एक सेल बहुत सारे फंक्शन को करता है तो उस सेल के पार्ट्स होंगे, है ना। उस सेल के अंदर अलग अलग तरह के जो है स्ट्रक्चर होंगे, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो बिल्कुल, एक सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिसे आप कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, जिसे हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो एक सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो अलग अलग तरह के उनके स्ट्रक्चर होता है और वे अलग अलग तरह के फंक्शन को करते हैं। तो आज हम एनिमल और प्लांट सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उसको देखेंगे। तो उसके लिए मैं चलता हूँ अपने वेबसाइट पर, जहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख करके रखी है। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स का पार्ट 5 है और ये जो है मैंने इसने इसको कवर करा दिया है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल है, ये आपका यूकेरियोटिक सेल के अंदर आता है, है ना। उसी का ये एग्जांपल है ये दोनों। तो ये रहा प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, आप वेबसाइट पर आइएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड हाई क्वालिटी इमेज, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक करके आप हाई क्वालिटी इमेज को चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। एक एनिमल सेल के अंदर जो जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो भी उसके कंपोनेंट्स है, वो यह है आपका सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। क्या इतनी ही चीज़ें होती है एक एनिमल सेल के अंदर? नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें उतना नहीं जाना है। हमें देखिए, हम लोग बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स पढ़ रहे हैं, तो एक जितना चाहिए हम उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट भी तो हैं हमारे, जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो ये ब्रांच का सब्जेक्ट वैसे भी नहीं है, तो उतना ही पढ़िए जितना से काम चल जाए, ज़्यादा डॉक्टर मत बनिए, ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन एक होता है आपका। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है ना, ये सेल का सबसे बाहर का जो लेयर होता है, जो सेल को बाहर की चीज से प्रोटेक्ट करता है, वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। जैसे आप कोई सामान पैकिंग करते हैं, मान लीजिए कोई गिफ्ट आप पैक करते हैं, तो गिफ्ट के चारों तरफ एक क्या करते हैं, एक प्लास्टिक से या फिर कूट से क्या करते हैं, चारों तरफ लेयर बना देते हैं, कवर कर देते हैं उसको, ताकि जब ये फोर्स लगे, दाब आए, तो अंदर की चीज़ है सुरक्षित रहे। तो उसी तरह के सेल मेम्ब्रेन भी होता है, जो एक लेयर की तरह होता है सेल के चारों तरफ, जो उसे बाहर की चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखता है, है ना। और इस सेल के अंदर क्या आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, इसको ये डिसाइड करता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है आपका प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। उसके बाद है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक फ्लूड होता है, जो फ्लूड के अंदर होता है, जिसमें आपका 80% जो है वाटर होता है। इसका क्या काम है, देखिए, अगर आप बड़ा सा बर्तन लेंगे, बड़ा सा बर्तन में आप पानी रख दीजिए, पानी में कुछ तैरती हुई चीज़ें रख दीजिए, जब उस तैरते हुए चीज़ों को जब आप दबाएंगे तो वो दबकर नीचे बैठ जाएगा पानी के अंदर, और वो डैमेज नहीं होगा, है ना, उससे नुकसान कुछ नहीं होगा, वो आराम से दब जाएगा नीचे और वो सुरक्षित रह जाएगा। लेकिन जब आप पानी को हटा देंगे उस बर्तन से और तब उस चीज़ों को आप दबाएंगे ना, जो भी आपने चीज़ें रखी हुई है, तो वे दब जाएंगी और उस पर फोर्स लगेगा, हो सकता है वो डैमेज भी हो जाए। तो साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा है, एक फ्लूड है, इस पर जितने भी आपके बाकी के सेल ऑर्गेनल्स है वो तैरते रहते हैं, ताकि जब भी प्रेशर पड़े, है ना, कोई ऐसा ना फोर्स लगे उन जो ऑर्गेनल्स हैं, तो वे डैमेज ना हो, आराम से दब जाए। और वे एक तरह से साइटोप्लाज्म क्या करता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बाकी के ऑर्गेनल्स को, ठीक है ना। तो एक फ्लूड होता है ये, जिस पर सारी चीज़ें तैरती रहती हैं। उसके बाद है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है ना, सेल के अंदर जितने भी जो आपके एक्टिविटी होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल सांस लेता है, उसके अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन का साइंथेसिस करता है वो, कार्बोहाइड्रेट भोजन करता है वो, सेल भी तो भोजन करता है ना। तो ये सभी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं न्यूक्लियस से, है ना, कंट्रोलर है ये आपका न्यूक्लियस। सेल में, एक सेल के अंदर जो भी चीज़ हो रही है सभी को कंट्रोलर करता है ये न्यूक्लियस। तो ये सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होता है, बाकी की जितने भी सेल ऑर्गेनल्स मैंने आपको बताया उसमें ये सबसे बड़ा होता है, और इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना। तो ये सभी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है आपका न्यूक्लियस।
सेल डिवीजन में ये भी मदद करता है। यानी मैंने बताया ना, जितने भी चीज़ें हो रही हैं सेल के अंदर, सभी चीज़ों को न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद है आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी मैं आपको बाद में बताता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। पर नीचे की चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। एक होता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? तो इस लाइसोसोम के अंदर एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बैक्टीरिया आ रही हैं, वायरस आ रहा है, फंगी आ रहा है, उस सभी को वो नष्ट कर देता है लाइसोसोम। इसलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। तो ये भी क्या करता है, हमारे जो बॉडी है, हमारा जो सेल है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है बैक्टीरिया से, फंगी से, वायरस से, है ना, इसको ये ख़त्म कर देता है। उसके बाद आता है आपका राइबोसोम। देखिए, राइबोसोम में आपका 65% आरएनए होता है और 35% प्रोटीन होता है। हम जो भोजन करते हैं ना, तो राइबोसोम उस प्रोटीन को स्टोर करके रखता है, है ना। प्रोटीन में हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ ही लेते हैं प्रोटीन, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन को स्टोर करके रखने का काम करता है। उसके बाद है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जो खोज की थी अल्बर्ट कोलिकर ने की थी, है ना। ये एक पावर हाउस है सेल का। पावर हाउस क्यों है जी? क्योंकि देखिए, हम जो सांस लेते हैं ना, तो सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन कैसे लेंगे? नाक को थोड़ा ना पता है कि बाहर से ऑक्सीजन ही क्यों आ रही है, तो नाक से हम ऑक्सीजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, नाइट्रोजन, सारी गैसें नाक के द्वारा हमारे फेफड़े में चली जाती है। तो फेफड़ा का सिर्फ इतना काम है कि ऑक्सीजन को छांट लेता है, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। आपका जो फेफड़ा है उसका इतना ही काम है, फेफड़ा ऑक्सीजन का कुछ नहीं करता है, इतना बात को आपको ध्यान रखना है। केवल वो छांटने का काम करता है और स्टोर करने का काम करता है। फिर फेफड़ा क्या करता है ना, कि उस ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेज देता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन का यूज करके ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है उसको करता है, और जो भी आप प्रोटीन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, भोजन के रूप में लिपिड ले रहे हैं, उन सभी को ऑक्सीडेशन के द्वारा ATP बना देता है। ATP एक एनर्जी है, और उस ATP से ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना। और ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि जो सेल को जो एनर्जी चाहिए ना, जो पावर चाहिए, जो ATP चाहिए, जो ग्लूकोज चाहिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है, है ना। उसके बाद है आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है जो पूरे शरीर में फैला हुआ है। अगर मैं सेल की बात करूँ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक इनसाइड सेल के अंदर में होता है ये, जिसका काम है प्रोटीन और बाकी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको मूव कराना, है ना, मूव कराने का काम ये करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस रफ है ना, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। इस रफ का काम ये है, देखिए ये रफ क्यों है, क्योंकि इसका जो बाहरी आउटर सरफेस होता है ना, और उस पर प्रोटीन चिपक जाता है, और प्रोटीन के चिपकने की वजह से ना उसमें रुखड़ापन आ जाता है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ये प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है ना। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन को छोड़कर बाकी के जो चीज़ें हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गया, उसको ये आपका सिंथेसिस करता है। प्रोटीन को छोड़ देगा और बाकी के जितने भी चीज़ें हैं उसको ये सिंथेसिस करने का काम करेगा, और शरीर में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस आ रहे हैं ना, उसको ये ख़त्म करने का काम करता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद है आपका गोल्जी बॉडी। इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था शायद अभी। तो गोल्जी बॉडी कुछ नहीं करता है, इसकी जो डिस्कवरी की थी, खोज की थी, कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने की थी, और उन्हीं के नाम पर ये गोल्जी बॉडी रख दिया गया नाम। तो ये क्या करता है ना, ये प्रोटीन की पैकेजिंग करता है और प्रोसेसिंग करता है। प्रोटीन जो आ रहा था आपका, देखिए राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम आपका स्टोर करता है प्रोटीन को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। लेकिन प्रोटीन और जो भी प्रोटीन का जो
पैकेजिंग और प्रोसेसिंग है ना वो गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है ना। एक तरह से कहूँ तो गोल्जी बॉडी एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है कि भाई प्रोटीन इधर से उधर जाना है, उधर से इधर आना है, इस सेल से उधर भेजना है, उस सेल से इधर भेजना है, इसलिए पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का काम करता है गोल्जी बॉडी। ठीक है, और इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, प्रोटीन में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। गोल्जी बॉडी एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका सिंथेसिस कर देता है और राइबोसोम प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल के बारे में। देखिए एनिमल सेल का स्ट्रक्चर और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमन मिलेगी, जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, ये सभी चीज़ें आपके, और न्यूक्लियस भी, ये सभी चीज़ें आपके एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है, दोनों चीज़ों ये कॉमन है। तो दोनों में ये काम और फंक्शन इसका सेम होता है। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको लाइसोसोम्स वाले सेल वाला प्लास्टिड्स और सेंट्रल वैक्यूल, ये तीन के बारे में ही आपको बताऊंगा, और बाकी के जो भी 1 से 7 तक हैं उसको आप एनिमल सेल में जो लिखा हुआ है उसी को नोट डाउन करेंगे, क्योंकि फंक्शन एक ही है उन दोनों का। केवल डिफरेंस एनिमल और सेल में ये है कि इसमें सेल वाल होता है, प्लास्टिड्स होता है और आपका सेंट्रल वैक्यूल होता है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं आपके सेल वाल के बारे में। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में सेल वाल होता है। प्लांट सेल में सेल वाल होता है ये क्या है, तो कोई भी आप पेड़ देखते हैं ना, ट्री देखते हैं, तो उसका जो बाहर का जो आप जिस पे हाथ रख करके उसको देखते हैं ना, छूते हैं, वो सेल वाल होता है। देखते हैं आप कितना वो टाइट होता है, कठोर होता है, वो रिजिड होता है वो। तो सेल का सबसे बाहर का, प्लांट सेल का सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर जो ज़्यादा रिजिड होता है ना, वो सेल वाल होता है ना, जिसपे हम हाथ रखते हैं, जिस पर पेड़ पर चढ़ते हैं, तो आप कौन सा हिस्सा उसको टच करते हैं, सेल वाल टच करते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। सेल वाल क्या करता है ना, बाहर की चीज़ों से सेल के अंदर की जितनी चीज़ें हैं है ना, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे आपको मौसम चेंज होता है, कभी सर्दी गर्मी बरसात आती है, तो सेल वाल क्या करता है कि उसको प्रोटेक्ट करता है बाहर की चीज़ों से। अगर कोई बाहर की चीज़ें, कोई मान लीजिए पत्थर चला के मार दिया पेड़ पे, तो सेल वाल क्या करता है, एक रिजिड सपोर्ट है जो अंदर की चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, उसके बाद है आपका प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या करता है, एक रिस्पॉन्सिबल है ना, प्लास्टिड्स इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करे फूड का, फूड को स्टोर करे, और आपका जो भी चेंज हो रहा है ना कलर, जैसे फल में कलर चेंज हो जाता है, फूल का चेंज हो जाता है, और पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है, तो प्लास्टिड्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तीन तरह का होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस में आपका हेल्प करता है ना, ताकि पौधे अपना खाना बना सके, है ना। उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है ना, पत्तियों, फूलों का जो भी कलर चेंज होता है, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है ना, ये प्रोटीन, स्टार्च और लिपिड को स्टोर करने का काम करता है, और ये कलरलेस होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है ना, उसके बाद आता है सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल क्या करता है ना, देखिए पानी तो चाहिए ना पेड़ को, हमें भी चाहिए, तो सेंट्रल वैक्यूल जो क्या करता है ना, वाटर को स्टोर करने का काम करता है ना। एक पेड़ के अंदर सेंट्रल वैक्यूल वाटर को स्टोर करने का काम करता है। और जो भी, अब देखिए मान लीजिए कि पानी है उसके अंदर, एक पेड़ के अंदर, तो उसका प्रेशर भी लगेगा, जब पानी है तो पानी प्रेशर भी लगाएगा, और वो प्रेशर आपका ट्रंक प्रेशर कहलाता है। सेंट्रल वैक्यूल पानी को स्टोर करता है, और पानी के जो प्रेशर लगता है ना सेल वाल पे, अंदर है पानी तो अंदर है ना, तो प्रेशर कहाँ मारेगा, वो सेल वाल पे मारेगा, तो ट्रंक प्रेशर वो लगता है। अब ये जो सेल है वो जब ये प्रेशर डेवलप किया, वो कहलाया आपका ट्रंक प्रेशर। ये प्लांट क्या करता है ना, ये जो ट्रंक प्रेशर जो लगा, वो ट्रंक प्रेशर अगर हाई है तो आपका जो पेड़ है वो रिजिड होगा और खड़ा हो पाएगा अच्छे से। सिंपल सी बात मैं कहूँ तो सेंट्रल वैक्यूल क्या करता है, वाटर को स्टोर करता है, और उस वाटर की वजह से ट्रंक प्रेशर लगता है सेल वाल पे। ठीक है ना,
और जब ये प्रेशर लग रहा है ना, तो अगर ये प्रेशर हाई है अगर, तो आपका पैर जो है ज़्यादा रिजिड होगा और अच्छे से खड़ा रह पाएगा, ठीक है ना। तो सेंट्रल वेस्कुलर ये होगा। और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि बाकी की जो जो चीज़ें जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में कॉमन है, उसको आप एनिमल सेल से देख लीजिएगा। अब हम डिफरेंस देखते हैं इसमें क्या है। तो प्लांट सेल का सेल का जो शेप होता है वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर होता है, एनिमल का राउंड और इरेगुलर शेप का ये होता है। अगर सेल वाल की मैं बात करूँ तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में कोई भी सेल वाल प्रेजेंट नहीं होता। एनिमल में आपका एनिमल सेल में केवल आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, और सेल मेम्ब्रेन तो प्लांट सेल में भी होता है। अगर न्यूक्लियस की मैं बात करूँ तो प्लांट सेल में ये ना एक साइड में होता है, खड़ा हुआ एक साइड में होता है ये, है ना। लेकिन एनिमल सेल में ये सेंटर में होता है लोकेशन। लाइसोसोम में प्लांट सेल आपका प्रेजेंट होता है, और लेकिन बहुत कम होता है ना, रियल होता है लाइसोसोम। एनिमल सेल में आपका प्रेजेंट होता है लाइसोसोम। कई बुक्स में आप देखेंगे तो प्लांट सेल में लाइसोसोम को बताया जाता है कि वो नहीं होता है, होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, रेयर होता है वो। प्लास्टिड्स जो है प्लांट सेल में होता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लास्टिड्स में मैंने आपको क्या बताया, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो क्रोमोप्लास्ट और एनिमल सेल में क्या ज़रूरत है, जब वो खाना खुद बना लेता है एनिमल, तो है ना, खाना वो तो खुद बना लेता है, और यहाँ नहीं बनाया तो किसी को मार के खा लेता है, ठीक है ना। जैसे जानवर हो गए, मार गए ही तो खाते हैं ना, तो उन्हें खाने बनाने की जरूरत नहीं है, पेड़ पौधे अपना खुराक खुद बनाते हैं। इसलिए प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। माइटोकांड्रिया की बात करूँ, मतलब प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, बल्कि होता है लेकिन नंबर उनका कम होता है ना, ज़्यादा संख्या में वो नहीं होते हैं। लेकिन एनिमल सेल में माइटोकांड्रिया आपका प्रेजेंट होता है और लार्ज संख्या में होते हैं। तो ये थी आपकी प्लांट सेल और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर की कहानी, उनके डिफरेंस की कहानी। अगर आप चाहते हैं तो ये वेबसाइट में का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको चेक डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।